उत्तर प्रदेश में अब तीर्थ स्थलों पर शराबबंदी करने का सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसी कड़ी में अयोध्या में और मथुरा के 22 वार्डों में पूर्णतः शराबबंदी कर दी गई है। इसके साथ ही जिन दुकानों को पहले से लाइसेंस दिया गया था उनके लाइसेंस के लिए निरस्तीकरण की कार्रवाई भी चल रही है। प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि अयोध्या में होने वाली 5 कोसी परिक्रमा को लगभग 1500 स्क्वायर मीटर में होती है, वहां पर पूर्ण रूप से शराबबंदी कर दी गई है। मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि तीर्थ स्थलों के आसपास में शराब पीना और शराब को बेचना पूर्णतः प्रतिबंध कर देना चाहिए और इसी कड़ी में अब प्रदेश सरकार ने नए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नितिन अग्रवाल ने बताया कि अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि जिसकी पहचान विश्व स्तर पर है, लिहाजा ऐसी जगह पर शराब पिया जाना या उसको बेचा जाना ठीक नहीं है, जिसके फल स्वरूप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में आबकारी विभाग ने अयोध्या समेत मथुरा के 22 वार्डों में शराब को प्रतिबंधित किया गया है। देखिए, मंदिर के आसपास के क्षेत्र में तो शराब पहले भी प्रतिबंधित थी, लेकिन क्योंकि अयोध्या एक विश्व स्थली पे पहुंच रहा है और जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरी दुनिया उसे देख रही है, सरकार ने निर्णय लिया कि जो पंचकोसी परिक्रमा होती है, करीब 15 स्क्वायर किलोमीटर का वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी कोई शराब नहीं बेची जाएगी। और हम लोगों ने निर्णय लिया और उसमें कि वहाँ पे पूरी उस परिक्रमा के आसपास का जितना भी क्षेत्र है जो लगता है, वहाँ पूर्ण रूप से शराबबंदी होगी। इसीलिए कोई भी लाइसेंस किसी भी दुकान का, अल्कोहल का, शराब का, कोई भी दुकान का लाइसेंस उस क्षेत्र में नहीं दिया जाएगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या पूरे यूपी में बिहार की तर्ज पर शराब को बंद कर दिया जाएगा, इसके सवाल पे उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ जितने तीर्थ स्थल हैं वहां शराब की पाबंदी की गई है। नहीं, मैं पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, एक हमारे जो तीर्थ स्थलियां हैं, जो हमारे जो आस्था के जो स्थलियां हैं, चाहे वो मथुरा, चाहे वो मथुरा का मथुरा हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो आपका बनारस हो, गंगा का क्षेत्र हो, हमने उन सभी क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया है और कोई भी लाइसेंस या कोई भी दुकान उन क्षेत्रों में स्थापित नहीं की जाएगी। इसके साथ ही नितिन अग्रवाल ने कहा कि मथुरा के 22 वार्डों में भी शराब को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर इस इलाके में कोई दुकान है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। हालांकि वृंदावन में पहले से ही शराब प्रतिबंधित थी, लेकिन अब मथुरा में भी शराब पर पाबंदी लगाई गई है। विभाग उस पे काम कर रहा है और अगर कोई आता है तो उसे स्पष्ट तौर पे हम मना कर रहे हैं और कोई भी अगर दुकान है वहाँ पे तो उसको कैंसिल कर रहे हैं कि वहाँ पे पूर्ण रूप से, क्योंकि शराबबंदी सरकार ने करी है तो वहाँ कोई भी शराब का ना सेवन होगा और ना शराब की बिक्री होगी। अयोध्या के बाद अगला जिला या धर्म कौन सा होगा? नहीं, हमने मथुरा में अभी किया है। मथुरा में करीब 22 ऐसे वार्ड हैं, क्योंकि वृंदावन में ऑलरेडी पहले से ही था, मथुरा में नहीं था, तो मथुरा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था कि 22 वार्डों में शराबबंदी की जाए और हम लोगों ने अभी उसको फाइल उसमें आदेश पारित किया है, उन वार्डों में भी पूर्ण रूप से शराबबंदी कर दी गई है। वहीं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के इलाकों में मद्य निषेध कानून पूरे प्रभाव के साथ लागू कर दिया गया है। 1 जून से ये कानून मथुरा वृंदावन नगर निगम के 22 वार्डों में प्रभावित हो गया है। इसके साथ जिला प्रशासन ने आबकारी विभाग के माध्यम से श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के इन 22 वार्डों की जद में आने वाले 29 देशी और विदेशी शराब के ठेकों, मॉडल बार, मॉडल शॉप को बंद करा दिया है। टीलों पर बसा पुराना मथुरा शहर इस कानून की जद में आ गया है। शराब के अलावा बियर और भांग भी प्रतिबंध के दायरे में रखी गई है। इन दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। 1 जून से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू हो गए। शहर के कई होटलों के बार और मॉडल शॉप भी बंद करा दिए गए हैं। नगर निगम की 22 वार्ड, उनका नाम मैं बता रहा हूँ, घाटी बहाल राय, गोविंद नगर, मंडी रामदास, चौबिया पाड़ा, द्वारिकापुरी, नवनीत नगर, वनखंडी, भरतपुर गेट, अर्जुनपुरा, हनुमान टीला, जगन्नाथपुरी, गौ घाट, मनोहरपुरा, वैरागपुरा, राधानगर, बद्रीनगर, महाविद्या कॉलोनी, कृष्णा नगर प्रथम, कृष्णा नगर द्वितीय, कोयला गली, डैम्पियर नगर एवं जयसिंहपुरा में वर्तमान में संचालित 29 देशी शराब, विदेशी शराब, बियर, भांग एवं मॉडल शॉप को आज 1 जून से
शासनादेश के अनुपालन में बंद करा दिया गया। वहीं उम्मीद है कि लोग इस आदेश का पालन करेंगे और शराब का सेवन नहीं करेंगे, साथ ही दुकानदार शराब नहीं बेचेंगे। बता दें कि अयोध्या में जो दुकानें बंद की गई हैं, उनमें से पिछले वर्ष शराब बिक्री से 40 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। जिले में इस समय 698 शराब की दुकानें हैं, जिससे 546 करोड़ रुपए सालाना कमाई होती है। 34 स्थानों पर हुई शराब बंदी के बाद भी आबकारी विभाग ने 600 करोड़ सालाना आय की उम्मीद जताई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी और मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।